हेलो, वेलकम टू बिग इंग्लिश क्लासेस। और आपका लेक्चरर पटेल सर आज एक नया वीडियो लेकर आया जो पार्ट 3 है टू डियर लेसन का। इसके पहले जो वीडियो 1 और वीडियो 2 हुआ है, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2, इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बताई है। पार्ट 3 ये वाला वीडियो देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना, जो आपको मेरे प्लेलिस्ट में सेकेंड ईयर पीयूसी के इसमें मिल जाएगा। तो ये मेरा रिकमेंडेशन था। और चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे एक मर्डर होता है किंगडम ऑफ मोनाको में, और उसकी मर्डर की काफ़ी चर्चा करने के बाद में, डिस्कशन करने के बाद में, उस मर्डर को एक सज़ा दी जाती है जो कि फांसी की सज़ा जैसी होती है, डेथ सेंटेंस हम उसे बोलते हैं। और वो सज़ा को पूरा करने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है जो जिसे गुलिटिन बोलते हैं, ताकि वो इंसान को गुलिटिन यानी ब्लेड के नीचे रखकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह था कि इस तरह का कोई क्राइम कभी किंगडम ऑफ मोनाको में हुआ नहीं था। तो इससे क्या हुआ कि लोगों, जो किंग था उसके पास ये चीज़ नहीं थी, तो उसने चाहिए कि वो लोगों, वो जो आसपास के जो उसके कोई जो किंगडम है, जैसे कि फ्रांस और इटली, उनसे मांगा जाए और फिर उस सज़ा को पूरा किया जाए। लेकिन ऐसा होता है कि इटली और फ्रांस ने जो कीमत लगाई, उसकी कीमत कुछ 12,000 और 17,000 इस तरह से थी। फ्रांस ने 17,000 मांगे थे और इटली के गवर्नमेंट ने 12,000 मांगे थे, और गुलिन के साथ में एक और इंसान जो उसे हैंडल कर सके। तो इस तरह से कुछ था। अब यहाँ आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या बात हुई। द जनरल वॉज कॉल्ड एंड वॉज आस्क्ड, Can't you find us a soldier who would cut the man's head off? तो सारे ministers ने सोचा कि यार हमारे पास भी तो soldiers है, हमारे पास भी general है, क्यों ना हम हमारे general को पूछे कि आपके जवानों में से कोई एक, यानी आपके soldiers में से कोई एक ये काम करे, हम गुलेटिन मंगा लेंगे, लेकिन उसे चलाने वाला हमारे पास तो कोई है नहीं, तो क्यों ना हम आपसे ही कोई एक सोल्जर को मंगा ले और सोल्जर ये काम को अंजाम दे। इन वॉर दे डोंट माइंड किलिंग पीपल, इन फैक्ट दैट इज व्हाट दे आर ट्रेन फॉर। सो द जनरल टॉक्ड इट ओवर विद द सोल्जर्स टू सी वेदर वन ऑफ देम वुड नॉट अंडरटेक द जॉब। अब हुआ ऐसे, जनरल कहता है कि हमारे जो जवान है वो जब लड़ाई करना, जब लड़ाई की बात आती है वॉर में इस तरह की, तो वो लोगों को मारना कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनको उस तरह से ट्रेन किया जाता है। लेकिन ये जो गुलेटिन का इस्तेमाल करना और फिर उस इंसान का सर धड़ से अलग करना, इसकी ट्रेनिंग हमारे सोल्जर्स को नहीं दी गई है। तो वो इस काम को बखूबी तौर से नहीं कर सकते। But none of the soldiers would do it. No, they said, we don't know how to do it. There is not a thing we have been taught. तो वो सारे soldiers लोगों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें training नहीं दी गई है इसे इस्तेमाल करने की, इस gulletin को इस्तेमाल करने की, इसलिए हमारे तरफ से तो सीधे तौर पर ना है। What was to be done? अब इनके सामने एक question खड़ा हो गया कि कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे। Again the ministers considered and reconsidered. ये ministers के लोगों को, यानी मंत्रियों को सर दर्द था। हर बार उनको मीटिंग में जमानी पड़ती थी और हर बार उन्हें सोचना पड़ता था कि कैसे करें अभी इसका। They assembled a commission and a committee and a subcommittee, and at last they decided that the best thing would be to alter the death sentence to one of the imprisonment for life. हम उन लोगों ने सोचा और इस पर काफ़ी गौर किया। बहुत सारी मीटिंग्स, कमीशन्स बुलाए गए और फिर उन्होंने एक फैसला लिया, और वो फैसला था कि सज़ा को बदला जाए। सज़ा जो उसे पहले मिली थी वो थी डेथ सेंटेंस, यानी
टू बी हैंग टिल डेथ, इस तरह का। लेकिन डेथ सेंटेंस से सजा दी को बदला गया। जो उसका डेथ सेंटेंस था, उस डेथ सेंटेंस को बदल कर उन लोगों ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी ताव उम्र तक जेल में रहना, ये वाली सजा को चूज किया, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उनके पास डेथ सेंटेंस देने के लिए गुलेटिन नहीं था, तो उनको यही सजा सही लगी कि उस मर्डरर को हमेशा हमेशा के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए। दिस वुड एनेबल द प्रिंस टू शो हिज मर्सी एंड इट कम चीपर। ये ऐसे सारा चीज़ें क्यों किया उन लोगों ने, क्या वजह थी ऐसा करने की? सिर्फ एक ही वजह थी, और वो थी कि खर्चा बचाना था उन्हें, क्योंकि इस मर्डर के ऊपर जो खर्चा हो रहा था वो काफ़ी हो रहा था, जिसे किंग ने सोचा कि वो इतना लायक नहीं है कि इसके ऊपर इतना खर्चा किया जाए, क्योंकि वो एक मर्डर है, उसने एक मर्डर किया है। द प्रिंस अग्रीड टू दिस एंड सो द मैटर वॉज अरेंज्ड। द ओनली हिच नाउ वॉज दैट देयर वॉज नो सुटेबल प्रिजन फॉर अ मैन सेंटेंस्ड फॉर लाइफ। अब डिसीजन लिया गया, डिसीजन को फिक्स किया गया कि अब इसे काल कोठरी में डाल दिया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए उसे वहीं रहना होगा। प्रिजन का मतलब होता है कि एक तरह का जेल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर से एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि उसे काल कोठरी में डालने के लिए जेल ही नहीं थे उनके पास। तो सोचिए वो किंगडम कैसा रहा होगा, कि वहाँ पर कभी कोई क्राइम ही नहीं रहा होगा कि जिसके लिए हम एक जेल तैयार किया जाए, प्रिजन तैयार किया जाए, ठीक है। तो अब उस इंसान को कहाँ रखेंगे वो लोग? उन्होंने सोचा कि टेम्प्ररी के लिए, फिलहाल के लिए उन्होंने क्या सोचा कि जो पैलेस का एक रूम है, उस रूम में से एक रूम मर्डर को दिया जाए। देर वॉज अ स्मॉल लॉकअप वेयर पीपल वर समटाइम्स केप्ट टेम्प्ररली, बट देर वॉज नो स्ट्रॉन्ग प्रिजन फिट फॉर परमानेंट यूज। उनके पास काम चला वो ऐसा लॉकअप था जहाँ पर वो किसी भी कैदियों को थोड़ी देर के लिए रखते थे, जैसे कि फाइन वगैरह के लिए दो दिन की रखा फिर छोड़ दिया, इस तरह का एक लॉकअप था छोटा सा। लेकिन वो किसी को परमानेंटली वहीं रखना हो तो वो उसके लायक नहीं था, वो जो लॉकअप था उसके लायक नहीं था, ओके। उन्हें ऐसा कोई लॉकअप या ऐसा कोई जेल चाहिए था जहाँ कैदियों को उम्र तक रखा जा सके। हाउएवर दे मैनेज टू फाइंड अ प्लेस दैट वुड डू एंड दे पुट द यंग फेलो देयर एंड प्लेस्ड अ गार्ड ओवर हिम। हालांकि उनको एक जगह मिल चुकी और उस जो वो जो मर्डर था काफ़ी अभी जवान था वो। हाउएवर दे मैनेज टू फाइंड अ प्लेस दैट वुड डू, तो आखिरकार उनको एक जगह ढूंढ निकाली उस किंगडम में कि जहाँ उस प्रिजनर को रखा जा सके। एंड दे पुट द यंग फेलो देयर, तो उन्होंने उसे वहाँ पर रखा। एंड प्लेस्ड अ गार्ड ओवर हिम, और उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए एक गार्ड को तैनात किया गया। गार्ड यानी कोई एक सोल्जर होगा। द गार्ड हैड टू वॉच द क्रिमिनल एंड हैड ऑल्सो टू फेच हिज फूड फ्रॉम द पैलेस किचन। गार्ड का जो ड्यूटी था वो था कि उसके ऊपर नजर रखा जाए और उसके लिए रॉयल किचन से, शाही किचन से, ठीक है, वहां से खाना लाया जाए। काफी लकी था यानी, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया के जेल, मैंने मतलब पिछले मेरे वीडियो में मैंने बताया था कि इंडिया के जो जेल्स होते हैं वहाँ पर खाना इतना उम्दा नहीं मिलता, खाना अच्छा कंडीशन यानी अच्छा खाना नहीं मिलता कैदियों को। एक टाइप का आई कैन से एक काइंड ऑफ टॉर्चर जैसा, क्योंकि उनको समझ में आना चाहिए कि वो जो जगह है वो काफ़ी बुरी जगह है, और फिर से अगर ना आए वो इस जगह पर, ठीक है। तो जो ये प्रिजनर था, जो ये मर्डर था क्रिमिनल, उसे जो खाना मिल रहा था वो रॉयल किचन से खाना मिल रहा था, ठीक है। और रॉयल किचन में जो खाना पकेगा ऑब्वियसली वो किंग के लिए पकेगा, और अगर वो किंग के लिए पक रहा है वो खाना, तो ऑब्वियसली वो खाना काफ़ी अच्छा खाना होगा, शाही खाना होगा, हर वो चीज़ जो किंग खाता होगा वो उसे मिलता होगा, राइट। द प्रिजनर रिमेंड देयर मंथ आफ्टर मंथ टिल अ ईयर हैड पास्ड, बट व्हेन अ ईयर हैड पास्ड द किंगलेट लुकिंग ओवर द अकाउंट ऑफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर वन डे। तो दिन निकलते गए, महीने निकलते गए, और महीनों से साल होता गया, और हर साल में किंग का जो
हैकिंग अपने एक अकाउंट तैयार करता था, जैसे कि आजकल हमारे गवर्नमेंट में भी होता है ऑडिटिंग बोलते हैं उसे, कि पूरे साल भर में कितना खर्च हुआ और कितनी इनकम हासिल हुई, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, वो सारी चीज़ें। जब किंग ने ऑडिटिंग की और किंग ने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इस मर्डर के ऊपर खर्च किए गए, तो किंग काफ़ी टेंशन में आ गया और उसने वापस से एक बार मीटिंग बुलाई और मीटिंग में उसने डिस्कस किया कि इस इंसान के ऊपर ये जो मर्डर है इस पे हम लोगों ने काफ़ी खर्चा किया है। नोटिस अ न्यू आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, एक नया मतलब एक नई एंट्री उस ऑडिटिंग में थी और वो नई एंट्री थी इस मर्डर को लेकर। दिस वॉज फॉर द कीप ऑफ द क्रिमिनल नॉर वॉज इट अ स्मॉल आइटम आइदर। इस पर जो खर्च किया गया था वो काफ़ी ज़्यादा खर्च किया गया था क्रिमिनल के ऊपर, क्योंकि अब ऑब्वियसली जो खाना उसे बना उसके लिए भी बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए खाने का इंतज़ाम वगैरह, फिर खाना पकाने का और उसके ऊपर खर्च वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो अभी क्या 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 चीज़ें जो खर्च हुई थी, जैसे कि दिस वॉज फॉर द कीप ऑफ द क्रिमिनल नॉर वॉज इट अ स्मॉल आइटम आइदर। देर वॉज अ स्पेशल गार्ड एंड देर वॉज ऑल्सो द मैंस फूड, इट केम टू मोर दैन 600 francs ए ईयर। उस पर जो खर्च किया जा रहा था वो था 600 francs। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी वॉज स्पेंड ऑन द क्रिमिनल एवरी ईयर, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो देखो उसके उस क्रिमिनल के ऊपर जो खर्च हो रहा था वो था कि अब शाही खजाने, शाही जो किचन था वहाँ पर जो खाना पकाया जाएगा अब क्रिमिनल के लिए भी पकाना पड़ेगा, तो उससे ज़्यादा सब्जियाँ और बहुत सारी चीज़ें और की ज़रूरत होगी, राइट। और फिर दूसरी चीज़ जो स्पेशल गार्ड जिसे उसके ऊपर निगरानी करने के लिए रखा गया था, तो उसे जो इनकम मिल रही थी स्पेशल गार्ड को वो भी देनी पड़ती थी, राइट। तो ये सारा अमाउंट जब पूरा साल भर का टोटल किया गया तो पता चला कि उसके ऊपर 600 फ्रैंक्स का एक खर्च हो रहा है। अब किंग को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि इस आदमी के ऊपर उसे इतना खर्च करना नहीं जाता था। एंड द वर्स्ट ऑफ इट वॉज दैट द फेलो वॉज स्टिल यंग एंड हेल्दी एंड माइट लिव फॉर 50 ईयर्स। अब और एक प्रॉब्लम ये थी कि ये जो मर्डर था, ये जो क्रिमिनल था, काफ़ी जवान था, यानी इसे अभी और आगे 50 साल तक इसे इस तरह से संभालना पड़े। तो अगर वो बूढ़ा होता, अगर वो क्रिमिनल काफ़ी बूढ़ा होता, तो समझ सकते थे कि कुछ दिनों के बाद ये क्रिमिनल मर जाएगा तो फिर इसके ऊपर खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी ऐसा हुआ कि अभी फिलहाल तो ये जवान है और आगे और कितने साल जिएगा वो पता नहीं था, और कितने साल तक इसके ऊपर खर्च करना पड़े ऐसा। When one came to reckon it up, the matter was serious. It would never do. So the prince summoned his ministers and said to them. तो फिर क्या हुआ, ministers जो king था उसने वापस एक बार meeting बुलाई, सारे ministers आ गए और वहाँ पर ये discussion हुआ कि क्या किया जाए। You must find some cheaper way of dealing with this rascal. King को इतना गुस्सा आ रहा था इस criminal के ऊपर कि वो जो गालियाँ देकर, जैसे कि ना रास्कल वगैरह, व्रच, ये सारे इस तरह के बैड वर्ड्स बोलते हैं, ऐसे अब्यूजिंग वर्ड्स बोलते हैं, कि वो कहने, वो जो किंग था वो मिनिस्टर्स को कह रहा था कि कुछ ऐसा कुछ करो जिससे मुझे इस पर ज़्यादा खर्च ना करना पड़े। द प्रेजेंट प्लान इज टू एक्सपेंसिव। अभी प्रेजेंट प्लान क्या चल रहा है, प्लान ए तो फेल हो गया क्योंकि वो गुलेटिन वगैरह लाना था तो वो कारगर नहीं साबित हुआ क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा खर्च हो रहे थे पैसे। तो उन लोगों ने प्लान बी चूज़ किया। प्लान बी क्या था कि उसकी सज़ा को बदल दिया जाए और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी हमेशा हमेशा के लिए काल कोल्टरी में डाल दिया जाए। लेकिन काल कोल्टरी में डालना ये भी एक प्रॉब्लमेटिक था क्योंकि साल के एंड में जो खर्च जो उस पर हो रहा था वो था 600 francs। ठीक है, अब वापस है प्लान सी, अब क्या किया जाए। एंड द मिनिस्टर्स मेट एंड कंसिडर्ड एंड रिकनसिडर्ड। कंसिडर्ड का मतलब होता है उस पर सोच विचार करना। टिल वन ऑफ देम सेड, जेंटलमैन इन माई ओपिनियन वी मस्ट डिसमिस द गार्ड। तो अब खर्च कम करना था कैसे भी करके, ताकि तो उन लोगों में से एक जो मिनिस्टर था उसने कहा कि चलो हम ना क्या करते हैं कि जो गार्ड को तैनात किया है मिनिस्टर क्रिमिनल पर, तो उससे हम हटा देते हैं।
तो इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत खर्च कम हो जाएगा, गार्ड को जो पैसे देने वो हमें देने नहीं पड़ेंगे। बट देन रीजॉइंट अनदर, फिर तभी दूसरा एक और मिनिस्टर, दूसरा कोई और मिनिस्टर, उसने कहा कि अगर हम गार्ड को हटा दें वहाँ से तो शायद वो जो क्रिमिनल है वो मौका पाकर भाग जाएगा वहाँ से। वेल सेड द फर्स्ट स्पीकर, लेट हिम रन अवे एंड बी हैंग टू हिम। सो दे रिपोर्टेड द रिजल्ट ऑफ द डेलिब्रेशंस टू द किंगलेट। डेलिब्रेशंस का मतलब होता है बातचीत, जो बातचीत हुई है उस बातचीत को किंगलेट के सामने रखा जाए प्रस्ताव के तौर पर। जैसे कि आमतौर पर हमारे इंडिया में जब लोकसभा और राज्यसभा, ये जब यहाँ दोनों तरफ डिस्कशन होने के बाद में इसे ये क्या कहते हैं, पार्लियामेंट में जब कोई डिस्कस होता है तो उसे रूल हैज़ अ रूल लागू करने के लिए या हैज़ एन अमेंडमेंट लागू करने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है। प्राइम मिनिस्टर उस पर सिग्नेचर वगैरह करेंगे, राइट। प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का सिग्नेचर होने के बाद में ही वो रूल को एज अ रूल लीगली रूल माना जाता है, ऐसा कुछ है ना। सो दे रिपोर्टेड द रिजल्ट ऑफ द डेलिब्रेशन टू द किंगलेट एंड ही अग्रीड विद देम। द गार्ड वॉज डिसमिस्ड एंड दे वेटेड टू सी वॉट वुड हैपन। तो अब किंग को ये बात जो थी वो थोड़ी सी अच्छी लगी और उसने इस चीज़ पर हामी दे दी कि चलो हम गार्ड को हटा देते हैं। द गार्ड वॉज डिसमिस्ड एंड दे वेटेड टू सी वॉट वुड हैपन। All that happened was that at a dinner time the criminal came out and not finding his guard he went to the prince's kitchen to fetch his own dinner. अब ऐसा हुआ कि जब गार्ड कैदियों को जो खाना लाकर दे रहा था सुबह शाम दो टाइम, वो था गार्ड, गार्ड उसे खाना लाकर देता था, लेकिन अब वहाँ पर गार्ड की मौजूदगी नहीं थी, गार्ड वहाँ पर था ही नहीं। तो अब वो जो क्रिमिनल था वो इंतज़ार करता रहा कि गार्ड आकर कुछ खाने वगैरह ला कर देगा। अब जब गार्ड नहीं ला कर दिया तो वो खुद ही दरवाज़ा खोलकर प्रिंस के किचन में गया और वहाँ से उसने खुद से ही खाना लेकर वापस से अपने प्रिजन में आ गया। तो क्या कॉमेडी है ये, सच्ची में ह्यूमरस है कि जो क्रिमिनल पहला क्रिमिनल ऐसा कोई होगा जिसे अपना जेल छोड़ना ही नहीं है। हालांकि देखा जाए तो जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, जो जेल में जो रहते हैं प्रिजनर्स, वो हमेशा ये सोचते कि कैसे यहाँ से भागे, लेकिन ये जो क्रिमिनल है ये भागना ही नहीं चाहता क्योंकि उसे हर तरह की जो ट्रीटमेंट जो मिलनी चाहिए वो मिल रही थी। आखिरकार जो इंसान होता है वो किस लिए स्ट्रगल करता है सोसाइटी में, क्योंकि उसे दो टाइम या तीन टाइम अपना पेट पालना होता है और जो भी चीज़ें जो खर्च वगैरह उसके जो होते हैं उसके लिए, राइट। यहाँ पर उसने क्या किया, खुद से ही उसने जेल का दरवाज़ा खोला, किचन में गया, वहाँ से उसने खाना लिया और वो खाना लेकर वापस आ गया। He went to the prince's kitchen to fetch his own dinner. He took what was given him, returned to the prison, shut the door on himself and stayed inside. Next day, the same thing occurred. और ये हमेशा ऐसा ही होता रहा। वो बाहर आता, exactly जब उसका खाने का time होता तो वो kitchen में जाता था और वहाँ से खाना लेकर वापस से अपने jail में आता था। Next day, the same thing occurred. He went for his food at a proper time, but as for running away, he did not show the least sign of it. यानी कि भागने, अभी उसे भागना है ऐसा वो कभी दिखाया नहीं उसने खुद से कि मुझे भागना है, क्योंकि उसके चेहरे पे ऐसे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं थे कि वो भागना चाहता हो। मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे क्रिमिनल्स भागने की तैयारी करते हैं, चमचे को चाकू बनाते हैं और कितने सुरंग होते हैं जेल में से बाहर निकलने के लिए और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर जो ये क्रिमिनल था वो एंजॉय कर रहा था इस लाइफ को, और उसे क्या चीज़ की ज़रूरत थी, क्योंकि वो मिनिस्टर्स भी उस तरह का खाना नहीं खाते थे, कभी उनको रॉयल किचन में से कुछ खाने भी नहीं मिला हो। लेकिन ये जो क्रिमिनल था वो काफ़ी लकी था, मिनिस्टर्स से भी ज़्यादा लकी था, क्योंकि उसे जो खाना मिल रहा था वो रॉयल किचन से मिल रहा था। What was to be done? They considered the matter again. अब ये फिर से एक बड़ा सवाल पैदा हो गया सारे मिनिस्टर्स और किंग के सामने कि क्या किया जाए। अब इसे भागने का हम मौका भी दे रहे तो भी ये भागना नहीं चाहता। तो सारे मिनिस्टर्स बैठ के सोचे और उसमें से एक मिनिस्टर को फिक्स किया गया, चूज किया गया कि वो जाकर क्रिमिनल को कहे कि भाग जाओ यहाँ से, हम आपको मौका दे रहे भागने के लिए, ठीक है।
We shall have to tell him straight out, said them, that we do not want to keep him. So the ministers of justice had him brought before him. अब मिनिस्टर ऑफ जस्टिस जो कायदा कानून का मिनिस्टर होता है ना, आयरनी यहाँ पर ऐसी है कि जो कायदा कानून लॉ मिनिस्टर ऑफ लॉ बोलते हैं उसे, अब यहाँ पर देखा जाए तो आयरनी इस तरह से एक मिनिस्टर जो खुद एक लॉ मिनिस्टर है वो क्रिमिनल को एडवाइस दे रहा है कि तुम्हें भागने का मौका दे रहे और यहाँ से भाग जाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है एग्जाम में कि विच मिनिस्टर हैज एडवाइज द क्रिमिनल टू रन अवे। तो उस वो जो मिनिस्टर है वो क्रिमिनल के पास जाता है और उसे पूछता है क्रिमिनल को कि Why do you not run away? said the minister. There is no guard to keep you. You can go where you like and the prince will not mind. अब वो मिनिस्टर एक्चुअली जो मिनिस्टर है ना, ये ऑलरेडी लोगों ने डिस्कस किया था कि हम ऐसा करेंगे और मिनिस्टर ऑफ जस्टिस को चुना गया था कि वो जाकर क्रिमिनल से कहे कि तुम्हें जब भागने का मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं भाग रहे हो आप, ठीक है, भाग जाओ यहाँ से और प्रिंस को भी बुरा नहीं लगेगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है और इसका पार्ट 4 भी बनेगा, तो आप पार्ट 4 के लिए वेट कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं पार्ट 4 भी लेकर आऊँगा आपके लोगों के लिए। और जैसे कि मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियोज़ को, ठीक है। थैंक यू।